बहुत खुश हैं हम भाई को देखने के लिए, भी उनके समर्थन में खड़े हैं हम लोग। और एक तरीके से हम स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ। वो लोग आती नहीं है क्या? जब ही आएंगे तब उन्हीं के साथ होगा, और बहनें नहीं होती हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा। अरे आना चाहिए, जब होगा तभी निकलोगे क्या? बहनें नहीं सुनेंगी? सबसे पहले तो बहनों की ही बात है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी 12th किया है, और उन्हें आना चाहिए। मेरा नाम प्रियेशी मधुर है और मेरे फादर लॉयर हैं, तो इस हिसाब से कि हम लोग हमारी सोच अच्छी बनेगी उस हिसाब से। अरे निकलेंगे, गए भाई से मिलेंगे, भाई की सोच को जानेंगे, भाई को सुनेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप आते नहीं है, घर में बैठे रहिए और अपनी राय देते रहिए, ऐसा नहीं होता है। आप बाहर निकलेंगे, देखेंगे, पढ़ते हो अच्छी बात है, बाहर अपनी राय थॉट्स तो दीजिए, उस पढ़ाई निकाली तो दिखाइए तो सही। अरे बहुत अच्छे नेता है, जहाँ भी बलात्कार होता है लड़की हो या फिर किसी पुरुष के साथ भी पीड़न होता है या कुछ भी होता है, मारा जाता है या दलितों के साथ अत्याचार होता है, हर जगह जाते हैं वो, हर प्रोटेस्ट में आपको नजर आते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स के साथ हो, चाहे वो SC ST के साथ हो, OBC के साथ हो, किसी के भी साथ हो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो कास्ट देखते हैं पहले, हर जगह जाते हैं वो पहले कास्ट को नहीं रखते हैं। उनका यही नारा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति को तोड़ना है समाज को जोड़ना है, समाज जोड़िए आप चाहे वो कोई भी कास्ट हो। भाई को ये नहीं देखते हैं कि वो किसी कम कास्ट का है, जैसे BJP देखती है पहले अपने लोगों को सपोर्ट करती है, और SC ST जाए भाड़ में, चाहे उनका रिजर्वेशन छीन लो तुम, पढ़ने दो मत है, और फिर भाई कुछ करे तो उन्हें रोको। बंगाल में जा जा के रैलियां कर रहे हैं जब कोरोना बढ़ रहा है, भाई रैली करे तो कोरोना है, भाई को जगह जगह रोक देते हैं, प्रशासन लगा देते हैं, पुलिस लग रही है भाई कि रुक जाओ तुम्हारी, तुम फैलोगे, तुम आओगे तो हिंसा फैलेगी। अच्छा जी तुम डोलो छा, तुम्हारा गुंडा राज चल रहा है, और तुम्हारी सरकार में, तुम्हारी सरकार में तो सबसे ज्यादा गुंडा राज है। अरे पहले अपनी बहन बेटियों को बचा लो, तब किसी को प्रोटेस्ट करने से रोक लेना। भाई कर रहे हैं तो नहीं, अरे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करेंगे। और वो युवाओं के साथ खड़े होते हैं, पढ़े लिखे हैं, लॉ करे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ हमारी कास्ट के लोगों को जाना चाहिए, और अदर कास्ट भी तो हैं, बच्चे देखे उन्हें, उनके भाषणों को सुने। अरे कास्ट से मतलब नहीं होता है, आप लोग आइए बाहर निकल के आइए, पढ़िए, पढ़े लिखे हैं, भाई को सुनिए, अगर आपके थॉट्स उनसे मिलते हैं या फिर वो किसी तरीके के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बताइए कि आप यहाँ गलत हैं, और अगर वो सही हैं तो प्लीज BJP ना देखें या फिर केजरीवाल या फिर वो ना देखें, आप आए भाई के साथ खड़े हो, कास्ट ना देखें कि वो SC वालों के साथ खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ कुछ गलत होगा कल को वो आपके साथ भी खड़े होंगे, रिजर्वेशन छीने जाते हैं, बच्चे कुछ नहीं कहते हैं, गलती पेरेंट्स की भी है, पेरेंट्स भी तो रोकते हैं कि नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, तुम्हारा बच्चा कल को वो एडमिशन नहीं लेगा क्या, लेकिन मेरा बच्चा नहीं जाएगा। थैंक यू। और भाई एक अनुरोध और है, भाई आ रहे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बारिश ना देखें, भाई आ रहे स्वागत करें, फूल मालाओं से DJ बजाए, साइकिल लेके आए, और घर से बाहर निकले प्लीज, भाई को सुनने आए, कम से कम इतना तो करें, फोन चलाते रहते हो घर में।